सबास बेस्ट क्लासेस में मैं आज आपको हैदराबादी नाश्ता बनाना बता रही हूँ। तो ये नाश्ते में कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम सबसे पहले तिल का खट्टा बनाएंगे। तो ये तिल का खट्टा जो हैदराबादी नाश्ते की जान है, इसे हम बनाने के लिए आधा कप इमली लेंगे और इसमें गर्म पानी डालकर आधा घंटा भिगो लेंगे। तो इस इमली को हमने आधा घंटा भिगो लेना है और आधे घंटे के बाद हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे और इसे निचोड़ लेंगे, यानी इस तरह से मथ कर इसका खट्टा निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे हाथों से अपने प्रेस कीजिए और इमली का खट्टा निकाल लीजिए। और जब सारा खट्टा निकल जाएगा तब हम इसमें इसे छान लेंगे। देखिए इस तरह से छान लीजिए और ऊपर जो बची हुई इमली है उसे भी इस तरह से अपने हाथों से थोड़ा सा दबाइए ताकि सारी खटाई इमली की निकल जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर खट्टा लिया, उसमें हमने पौन टीस्पून यानी आधे टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी। आप चाहें तो दो हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक कतर कर इसमें ऐड कर सकती हैं। अब देखिए मैंने आधा टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट इसमें डाल देना है और फिर एक प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक कट किया और इसे डाल दिया। अब मैंने पुदीना डाल दिया, एक टीस्पून पुदीना, एक टीस्पून कोथमीर बारीक कटी हुई आप इसमें डाल दीजिए। और देखिए मैंने दो टीस्पून तिल को भून लिया, फिर इसे बारीक पीस लिया और अब मैं इसमें भुनी हुई तिल का पाउडर डाल रही हूँ दो टीस्पून। अब इसमें नमक डाल दीजिए आप टेस्ट के हिसाब से और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये खट्टा हैदराबादी नाश्ते की जान होती है, तो आप इसे बना कर देखिए। अब हम इसे बघारते हैं। तो देखिए बघार के लिए मैंने 10-12 कड़ी पत्ते लिए, 3 सूखी लाल मिर्चें ली और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया और 8 से 9 लहसुन की कलियाँ ली। और अब हम इसे बघारने के लिए 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म करते हैं और फिर उसमें हमने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद हमने इसमें लहसुन की कलियाँ डाल दी, ये हमने फल्ली का तेल गर्म किया। और उसके बाद हमने लहसुन की कलियों को फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से और खुशबू आने तक। फिर मैंने इसमें सूखी लाल मिर्चें डाली, फिर कड़ी पत्ता डाल दिया और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इस बघार को हम खट्टे पर डाल देंगे। जो लोग हैदराबाद से के अलावा यानी आंध्रा से बाहर रहते हैं वो लोग इस तरह का नाश्ता बना कर देखें, एक नाश्ते में चेंज आएगा और आपको भी ये पसंद आएगा, आपके घर वालों को भी थोड़ा सा चेंज लगेगा, आप इसे बना कर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए हम ये जो बघार है इस खट्टे में डाल देते हैं और फिर उसके बाद ये खट्टा सर्व करने के लिए तैयार है। तो इस खट्टे को आप बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। इसे खिचड़ी के साथ सर्व किया जाता है और जनरली सुबह बनाया जाता है। तो देखिए ये खिचड़ी है, इसकी रेसिपी मैंने अपने किचन बेसिक्स में दी है और ये है तिल की चटनी, इसकी भी रेसिपी हमने दी है, लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। और ये खट्टा है, इस खट्टे को तो मैंने अभी बताया है बनाना। और इसके अलावा हमने ये अचार दिया है, इस अचार की भी रेसिपी मैंने दी है, लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। और ये दही की मिर्चियाँ तल कर रखी हैं, इसकी भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ और लिंक मैंने नीचे दी है। और यहाँ पर हमने खीमा रखा है, देखिए ये जो खीमा है इसके तो मैंने कई सारे किस्म के खीमा दिए हैं। आप चाहें तो लखमी ओमे का खीमा ले सकती हैं या मैंने खीमा फ्राई बनाना सीखा है वो भी आप ले सकती हैं। तो लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप देख सकती हैं। और ये पापड़ है जो आप नाश्ते में रख सकती हैं। तो ये हमारा हैदराबादी खट्टा तैयार है नाश्ते के लिए। तो आप इस नाश्ते को घर पर बनाइए और घर वालों की तारीफ़ पाइए। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। सबास बेस्ट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।